हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मिल्क से क्लींजिंग कैसे करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 2 चम्मच कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध हमारी स्किन को बहुत बढ़िया से क्लींजिंग करता है और ये हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करता है। अब दूसरा इन्ग्रीडियंट यहाँ पर हम ऐड करेंगे रोज़ वाटर। दोस्तों, रोज़ वाटर हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है और पीएच संतुलन को भी बनाए रखता है। साथ ही ये एंटी एजिंग का भी काम करता है और गुलाब जल हमारी स्किन को ठंडक भी देता है। तो अब तीसरी चीज़ जो यहाँ हम लेने वाले हैं वो है विटामिन ई का कैप्सूल। अगर आप इसके लिए कंफर्टेबल ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 बूंद ही विटामिन ई का लिया है। विटामिन ई एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारी स्किन को सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसे अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद 2 मिनट हम मसाज करेंगे और फिर इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। दोस्तों, आप इसे हफ्ते में डेली यूज़ कर सकते हैं। एक ही हफ्ते में आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलेंगे। तो प्लीज़ इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई।